हेलो गाइस, तो एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक न्यू रेमेडी कर रहे हैं और बहुत दिनों बाद आ रही है। पहले मेरे को ये भी बोलना था कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर मतलब ड्रग पे वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बताओ, ठीक है। आज हम बल्बैरिस वर्गैरिस के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, इसको जनरली किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिनरी प्रॉब्लम्स या कोई मेजर ऑपरेशन हुआ है तो प्री ऑपरेटिवली दी जाती है रेमेडीज। पर इसके अंदर बहुत सारी पेक्यूलियर चीज़ें हैं जो आपको समझना ज़रूरी है बिफोर गिविंग इट। तो आज हम बर्बेरिस कर रहे हैं और इसको हम तीन बुक से करेंगे। मैं एलन और बोरिक से तो बताती हूँ, साथ ही साथ ना मेरे पास एमएल टायलर के कुछ ब्लैक लेटर सिम्टम्स होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और ये ड्रग तो छोटी सी है लेकिन हम इतने सारे सिम्टम्स आज कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बर्बेरिस वर्गैरिस, इसका कॉमन नेम है बर्बेरी, ठीक है। फैमिली है बर्बेरिडेसी, ठीक है। सबसे पहले हम एलन और बोरिक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना इस ड्रग में, जैसा कि मैंने बताया, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी नहीं है, तो इसके अंदर कुछ आपको सिम्टम्स याद रखने हैं और जो पर्टिकुलर इसका स्फेयर ऑफ एक्शन है जिस जिस जगह पे वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देती हूँ कि इसका बहुत ही अच्छा एक्शन है यूरिनरी सिस्टम पे, एब्डोमेन पे, और मतलब आप रीनल भी सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, तो इन जगह पे और स्किन पे, ठीक है। तो इन जगह को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो मेंसेस होते हैं फीमेल में, या जो फीमेल सिस्टम है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लुकोरिया और की कंडीशन में, या एक्ने और की कंडीशन में, या डिस्चार्ज जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रेइश डिस्चार्ज है वहाँ पे इसको दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो पेन्स होते हैं उनका एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो हम वो सारी ही चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बल्बेरिस वर्गैरिस, इसको हिपैटिक रूमेटिक इफेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। तो रूमेटिक इफेक्शन पर्टिकुलरली विथ यूरिनरी हिमरॉयडल और मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, ठीक है। तो इस एक लाइन से ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसका स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद इसमें सेकेंड पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें ना रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स होता है, ठीक है, जैसे पेन चेंजेस प्लेस एंड कैरेक्टर, ठीक है। तो जैसे अगर आपने पल्सिटिला पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा रैपिडली शिफ्ट होता रहता है सिम्टम्स, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी होता है, जो कैरेक्टर होता है वो पेन का, वो वैंडरिंग पेन होता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो सिम्टम्स भी होते हैं ना वो भी बहुत अलग टाइप के होते हैं, लाइक एक ही टाइम, मतलब थोड़े से ना ऑल्टरनेटिंग सिम्टम्स इसमें बहुत सारे मिलते हैं, जैसे कि जैसे थर्स्ट जो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है विथ थर्स्टलेसनेस के साथ, या हंगर है पहले उसके बाद वो ऑल्टरनेट कर रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है यूजफुल इन रीनल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स और गॉल कोलिक के लिए भी दी जाती है, ठीक है। तो रीनल कोलिक है, या मतलब यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत है जो हम देखेंगे अगर इस टाइप का सिम्टम आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर कोलिक है, उन सारी कंडीशन में इसको दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद ऑफन इंडिकेटेड इन आर्थराइटिक अफेक्शंस विथ यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। तो कोई आर्थराइटिक कंडीशन है, जैसे कि जैसे इसके अंदर ही हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा टीयरिंग स्टिकिंग पेन होता है, स्टिफनेस हो जाती है लिम्स की, ठीक है। और साथ ही साथ अगर कोई यूरिनरी सिस्टम में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो आर्थराइटिक पेन या आर्थराइटिक कंप्लेंट्स के साथ साथ कोई यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस भी आ रही है साथ में, तो वहां पे ये जनरली इंडिकेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पेन्स कैसे होते हैं, तो वैंडरिंग पेन होता है जैसे मैंने बताया, और रेडिएट करता है, रेडिएटिंग पेन, नॉट वर्स बाय प्रेशर, ठीक है। प्रेशर से इनको कोई दिक्कत नहीं होता, बट वर्स इन वेरियस एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर मतलब बहुत अलग अलग, जैसे वो स्टैंड करेंगे या कुछ एक्सरसाइज करेंगे, एक्टिव एक्सरसाइज, ठीक है, तो उस टाइम में जो इनका पेन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, वर्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इन लोगों का अपीयरेंस कैसा होता है, इसके अपीयरेंस के बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे जब हम एमएल टायलर वाली बुक से इसके जो ब्लैक लेटर सिम्टम्स है वो पढ़ेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे बस एक लाइन लिखी है मैंने कि इनका जो होता है ये पेल सिकली संकन चीक्स होती है एंड आईज विथ ब्लूइश सर्कल्स, ठीक है। तो ये ऐसे दिखने में कुछ होंगे, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि थोड़े अनीमिक टाइप के लोग हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रेइश डिस्चार्ज, ठीक है। तो इसमें जो डिस्चार्जेस होती है ना वो कहीं से भी निकले, जैसे एक्ने का एक्ने होता है तो एक्ने में ग्रेइश डिस्चार्ज है, ग्रेइश डिस्कलेशन हो जाए, ठीक है, या और भी कहीं कहीं पे जगह पे अगर इनका डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो वो भी थोड़ा ग्रेइश कलर का, जैसे लुकोरिया है वो भी ग्रेइश कलर का है, तो इस टाइप का डिस्चार्ज इसमें होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है, इसके साथ ही हम थोड़े से और इसके सिम्टम्स पढ़ लेते हैं,
ये है अब एमएल टायलर के सिम्टम्स, ठीक है, जो उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो ये बहुत सारी चीजें मैच करेगी, मतलब बहुत सारी चीजें आपको दोनों में मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा, अर्थराइटिस हेपेटिक इफेक्शन विथ यूरिनरी हिमरॉइडल मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट इज फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, नॉट इंक्लाइंड टू डू एनीथिंग, ठीक है। जो पेशेंट होता है बहुत ज्यादा फिजिकली मेंटली टायर्ड होता है, कुछ भी काम करना नहीं चाह रहा है क्योंकि उसको इतनी सारी प्रॉब्लम है, यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, कोई गॉल कोलिक है या रीनल कोलिक है, तो उसमें पेन हो रहा है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए वो कुछ करना नहीं चाह रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्री मेच्योर ओल्ड एंड वॉर्न आउट वुमेन, ठीक है। तो अपीयरेंस इन लोगों की कैसी होगी कि प्री मेच्योर ओल्ड अपीयरेंस, मतलब सपोज 25-26 साल के, पर दिखने में 40-50 साल के लग रहा है, तो ऐसा अपीयरेंस होगा, प्री मेच्योर ओल्ड लुकिंग, ठीक है। पेज जो है वो रैपिडली चेंज करते हैं, उनकी लोकैलिटी भी चेंज होती है और कैरेक्टर भी चेंज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिम्टम्स है वो रैपिडली ऑल्टरनेट करते हैं, सारी चीजें हमने बात कर ली है। थर्स जैसे ऑल्टरनेट करेगा विथ थर्सलेसनेस के साथ, हंगर ऑल्टरनेट करेगा विथ लॉस ऑफ एपेटाइट के साथ, ठीक है। इसके बाद पेन का कैरेक्टर कैसा होता है, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी आपके पास पेशेंट आता है वो क्या कैरेक्टर समझाएगा, उसी से आप कोई चीज प्रिस्क्राइब कर पाओगे, टोटैलिटी बना पाओगे, ठीक है। तो पेन का कैरेक्टर कैसा होता है, तो वो रेडिएटिंग पेन होता है, ठीक है। मतलब एक जगह से स्टार्ट होकर ऊपर, मतलब रेडिएट कर रहा है हर जगह, ठीक है। तो रेडिएटिंग टाइप का पेन होता है, फ्रॉम वन पॉइंट शूटिंग आउटवर्ड और ओवर, ठीक है। स्टिकिंग, बर्निंग, स्मार्टिंग, सोरनेस होती है, ठीक है। तो स्टिकिंग पेन होता है, बर्निंग, स्मार्टिंग, सोरनेस, ऐसा इसका पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा गागलिंग और बबलिंग सेंसेशन, ठीक है। तो इनमें ना ऐसा सेंसेशन होती है, जैसे हम ये सेंसेशन इसके किडनी एरिया में, जैसे ग्रॉइंस में और फ्लैंक रीजन में, इसको ऐसी सेंसेशन होती है, बबलिंग सेंसेशन होती है, ठीक है। इसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसकी बहुत ज्यादा ड्राई होती है, बिकम ड्राई, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ स्किन कैसा होता है, डर्टी ग्रे कलर का होता है। इसके अलावा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें नहीं लिखी थी पर इसके ना पर्टिकुलर इसमें दे रखा है कि इसको कैसे कोल्ड फीलिंग होता है, ठीक है। तो कोल्ड फीलिंग इन वेरियस पार्ट्स लाइक बोन्स, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो इसको ना ऐसा, जैसे फीवर में भी पड़ेंगे, फीवर में भी इसको ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दिया गया है, ठीक है। तो इसको कोल्ड फीलिंग रहती है, ठीक है। तो कोल्ड फीलिंग इन वेरियस पार्ट्स लाइक बोन्स, आईज, ईयर्स एक्सेट्रा, ठीक है। आंखों में भी ऐसा लगता है ठंडा पानी डाल दे, तो ऐसा इसका ना कोल्ड फीलिंग वाला सेंसेशन रहता है, ठीक है। इसके अलावा ये लाइन मैंने आपको बताई थी, चेस्ट इफेक्शंस आफ्टर ऑपरेशन फॉर पाइल्स, फिस्टुला एक्सेट्रा, फिस्टुला इन एनो ऑल्टरनेट विद चेस्ट कंप्लेन, ठीक है। तो किसी का अगर ऑपरेशन हुआ है पाइल्स का, फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद उसको चेस्ट का वो इफेक्शन स्टार्ट हो गया, तो उसमें भी आप ये सोच सकते हो, या फिस्टुला इन एनो जो है वो ऑल्टरनेट कर रहा है चेस्ट सिम्टम्स के साथ, चेस्ट कंप्लेन के साथ, तो उसमें भी इसको सोचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका एग्रवेशन इसमें मैंने लिखा है, तो इसको जनरल एग्रवेशन किस किस चीजों से होता है, तो मोशन से है, जारिंग से है, ठीक है। इसके बाद स्टेपिंग हार्ड से है, ठीक है। इसके अलावा राइजिंग फ्रॉम सिटिंग, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड्स है, ये बैठेगा, खड़ा होगा तो इसको दिक्कत होगी, स्टैंडिंग से भी है, ठीक है। फटीग, यूरिनेशन और ट्यूलाइट में इसको एग्रवेशन होता है, ठीक है। इसका फेस कैसा होता है दिखने में, तो फेस होता है डर्टी ग्रे, सिकली और सुपरेटिंग एक्ने, ठीक है। तो फेस के ऊपर आपने देखा होगा बहुत कॉमनली दिख जाता है, ग्रेइश कलर के मार्क्स रह रहे हैं, या उसमें वो जो है वो जो एक्ने है वो सुपरेटिंग है, मतलब पस वाला एक्ने है, ठीक है। और उसमें ग्रेइश, डर्टी ग्रेइश लग रहा है, उसका फेस बहुत सिकली, मतलब अनिमिक लग रहा है, तो उन कंडीशन में वैसे एक्ने में हम बर्बेरिस दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टमक में देखो, नौजिया बिफोर ब्रेकफास्ट आफ्टर डिनर, ठीक है। तो इसको नौजिया वाली फीलिंग आएगी ब्रेकफास्ट से पहले और आफ्टर डिनर, ठीक है। इसके बाद स्टूल्स भी, जैसे मैंने बोला इसका ग्रेइश कलर आपको याद रखना है इस रेमेडी से रिलेटेड, तो स्टूल्स कैसे होता है, डर्टी ग्रे। इसके अलावा वो होते क्या है, स्मार्टिंग, मतलब थोड़े से जलेंगे, टफ होंगे, वॉटरी होंगे विथ जॉन्डिस, ठीक है। इसके बाद गॉल ब्लैडर टू स्टमक पेन एग्रवेशन बाय प्रेशर, ठीक है। तो इसको गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, गॉल कोलिक के लिए भी इसको दिया जाता है, तो गॉल स्टोन के लिए, और उसमें जो पेन है ना वो गॉल ब्लैडर से स्टमक की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पेन जो है वो एग्रवेट हो रहा है प्रेशर से, ठीक है। तो उसमें आप दे सकते हो, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर्स देख लेते हैं, तो सबसे पहले आते हैं किडनी पे, ठीक है, रीनल कोलिक में। तो कैसा पेन होता है इसको रीनल कोलिक में वो देख लेते हैं। तो रीनल कोलिक पेन फ्रॉम किडनी एक्सटेंडिंग अलोंग यूरेटर, ठीक है। तो जो पेन है वो किडनी से स्टार्ट होकर पूरे यूरेटर तक एक्सटेंड हो रहा है, ऑल टू लिवर, या तो ऊपर, मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि
ये हमारा किडनी है तो यूरेटर ऐसे होगा और हमारा किडनी ऊपर सॉरी लिवर ऊपर होगा, तो या तो पेन एक्सटेंड हो रहा है ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो यही इसका रेडिएटिंग पेन होता है। इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम मतलब यूरेटर के थ्रू भी जा सकता है या ऊपर की तरफ भी हो सकता है, लिवर स्टमक जैसे इसमें लिखा है लिवर स्टमक स्प्लीन एक्सेट्रा, वहाँ वहाँ पर पेन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब वहां तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा बर्निंग सोरनेस बबलिंग इन किडनी, जैसे मैंने बताया बबलिंग सेंसेशन इसको ऐसा फील होती है किडनी के रीजन के राउंड, ठीक है। इसके बाद क्लियर डिस्चार्ज फ्रॉम मियाटस बिफोर यूरिनेटिंग, ठीक है। तो इसके मियाटस से मतलब यूरिनेशन से पहले एक क्लियर डिस्चार्ज निकल रहा है, ठीक है, तो उसमें आप सोच सकते हो। इसके अलावा यूरिन कैसा होता है इसका, थिक भी होता है, टर्बिड होता है, येलो भी हो सकता है कलर, रेड भी हो सकता है, मीली मीली मतलब उसके अंदर ना सेडिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, सैंडी। तो ऐसा अगर आपको यूरिन दिख रहा है उसमें आप दे सकते हो। इसके अलावा सेंसेशन सम यूरिन रिमेन, ठीक है, आफ्टर यूरिनेशन आल्सो इसको ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा यूरिन रह गया है और यूरिनेशन की ज़रूरत है, तो उसमें भी आप वो भी बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशंस में होता है तो उसमें भी आप सो सकते हो, ठीक है। इसके बाद यूरेथ्रा बर्न्स व्हेन नॉट यूरिनेटिंग, ठीक है, जैसे इनके ऐसा होता है कि अगर इन्होंने यूरिन पास नहीं किया तो इनके यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ जब इसको रीनल कोलिक होता है तो साथ ही साथ पेन होता है इसको थाइज में और हिप्स में ऑन यूरिनेटिंग, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एनलार्ज है विथ प्रेशर इन पेरिनियम, ठीक है। जेनाइटल्स वन कोल्ड एंड स्वेटी, ठीक है, जेनाइटल्स आर कोल्ड एंड स्वेटी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इसको कोल्डनेस की सेंसेशन है तो उसको वो उसके जेनाइटल्स में भी होती है और बहुत ज्यादा स्वेटी से ही होते हैं इसके जेनाइटल्स, ठीक है। इसके अलावा इसको प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज तो उसमें बीपीएच और ऐसे मतलब प्रोस्टेटिक एडिनोमास इन सब में भी सो सकते हैं, जहाँ पे यूरिनेशन करने के बाद बर्निंग है या यूरिनेशन करने के बाद भी अनसेटिस्फैक्ट्री फील है तो उन सब में आप इसको सो सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी जो इसकी यूरिनरी कंप्लेंट्स है वो क्या क्या है, जैसे सेंसेशन एज इफ सम यूरिन रिमेन आफ्टर मैच्योरेटिंग बता दिया, यूरिन विथ थिक म्यूकस एंड ब्राइट रेड ब्रान लाइक सेडिमेंट्स, ठीक है, बबलिंग सोर सेंसेशन इन किडनी, ठीक है, पेन इन थाइज एंड लॉइंस ऑन मैच्योरेटिंग, फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन, यूरेथ्रा बर्न्स व्हेन नॉट मैच्योरेटिंग, ठीक है। तो ये बहुत ही मेन लाइंस है जो बोरिक में दे रखी है तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद एब्डोमेन में वैसे तो हमने मोस्टली चीजें कर ली होगी, तो एब्डोमेन में क्या लिखा है कि स्टिचेस इन रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल कोलिक में देते हैं और एग्रेवेशन है इसको से, ठीक है, और वो एक्सटेंड करता है टू दी स्टमक, ठीक है, वही रेडिएटिंग पेन है, ठीक है, एक जगह से स्टार्ट होकर दूसरे रीजन में भी फैल रहा है, ठीक है। फिर डायरिया इसका कैसा होता है, पेनलेस क्ले कलर्ड बर्निंग एंड स्मार्टिंग इन एनस, ठीक है, फिस्टुला इन एनो में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं फीमेल सिस्टम पे, तो फीमेल ने विजाइनसमस, ठीक है, विजाइनसमस होता है कि स्पैज्म आ जाता है विजाइना का व्हेनेवर एनीथिंग फॉरेन इज ट्राइंग टू एंटर, तो वेजाइनसमस में जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और टेंडरनेस है वेजाइना की वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मेंसेस कैसे होते हैं इसके, स्कैंटी ग्रे कलर, ठीक है, म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलेगा विथ पेन इन किडनी एंड चिलीनेस, ठीक है, मतलब मेंसेस के टाइम बहुत ज़्यादा चिली फील होगा और पेन भी हो सकता है इन किडनी रीजन, ठीक है। इसके बाद लुकोरिया, लुकोरिया भी कैसे कलर का है, ग्रेइश म्यूकस होता है विथ पेनफुल यूरिनरी सिम्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज एंड बैक, एक्सट्रीमिटीज में देखो क्या लिखा है, टियरिंग स्टिकिंग पेन विथ स्टिफनेस मेकिंग राइजिंग डिफिकल्ट इनवॉल्विंग हिप्स लिम्स एंड नमनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेन के साथ नमनेस भी मिल रही है, ठीक है, और पेन के साथ नमनेस के साथ साथ ये जो रेमेडी है वो अर्थराइटिक या रूमेटिक अफेक्शंस के लिए बहुत अच्छी है जहाँ पे यूरिनरी सिम्टम्स भी साथ में आ रहे हैं, तो इसलिए इसमें जो पेन होता है उसका कैरेक्टर आपको देखना है कि टियरिंग और स्टिकिंग पेन है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लिम्स में या जहाँ पे पेन है वहाँ पे स्टिफनेस हो गई है, ठीक है, तो उसमें आप सोच सकते हो। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन लुम्बर रीजन, कि लुम्बर रीजन में आफ्टर ऑपरेशन को दिक्कत हो गई है तो उसमें देख सोच सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रूमेटिक पैलेटिक, जैसे ये इसका मतलब क्या है कि जैसे बहुत लोगों का ऑपरेशन होता है तो वो लंबर से एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद ना बहुत लोगों को कंप्लेन रह जाती है कि अब उनको बैक एक स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो उन कंडीशन में भी आप बर्बेरिस को सो सकते हैं, ठीक है, तो पोस्ट ऑपरेटिव पेन इन लंबर रीजन, ठीक है। इसके अलावा रूमेटिक पैलेटिक पेन, न्यूरालजिया अंडर फिंगर नेल्स, ठीक है, पेन इन बॉल ऑफ फीट व्हेन स्टेपिंग, ठीक है, तो इसको बॉल ऑफ फीट में मतलब हमारे जो टोज होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा वाला टो होता है उसमें दर्द होता है तो वो फर्स्ट साइन होता है गाउट का, ठीक है, तो उस उन कंडीशन में भी इसको दे दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड सेंसेशन इन वेरियस पार्ट एज इज स्पैटर्ड विथ कोल्ड वाटर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसेशन होगा वेरियस पार्ट में, ठीक है, और ऐसा लगेगा कि ठंडा पानी फेंका गया है, ठीक है।
इसमें दे सकते हैं। इसके अलावा स्किन में क्या है, फ्लैट वॉट्स, इचिंग एंड बर्निंग, मतलब फ्लैट वॉट्स होंगे, इचिंग इच होगा बहुत ज्यादा और बर्न भी करेगा, और उसमें स्क्रैचिंग से एग्रवेशन है, पर कोल्ड एप्लीकेशन से आराम है, ठीक है। तो इसको याद रखना, कोल्ड एप्लीकेशन से आराम, ठीक है। इसके अलावा एक्जिमा ऑफ इनर्स एंड हैंड में दे सकते हो इसको, ठीक है। इसके अलावा सर्कमस्क्राइब्ड पिगमेंटेशन फॉलोइंग एक्जिमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो सर्कमस्क्राइब बहुत लोग आते हैं कि ऐसा पिगमेंटेशन है, सर्कमस्क्राइब, ठीक है, पिगमेंटेशन है, और उसके आसपास ना बहुत ज्यादा एक्जिमेटस या स्केली या इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें भी आप सो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि इसमें चिली सेंसेशन होती है, तो फीवर के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो चिल स्टेज होगा वो मार्क्ड होगा, और इसको चिली ऐसा लगता है कि इसके ऊपर किसी ने ठंडा ठंडा पानी डाल दिया, ठीक है, तो ऐसा फील, ठीक है। तो ये है हमारी बर्बेरिस रेमेडी। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है मैग म्यूर मैग्नीशियम यूराटिकम, ठीक है, मैग म्यूर, ठीक है, तो ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। तो आज हमने बल्बेरिस वल्गैरिस किया, आपने देखा है कि ये छोटी सी रेमेडी होने के बावजूद इसमें हमने कितने सारे न्यू सिम्टम्स, कितने सारे सिम्टम्स पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और आज हमने तीन बुक्स कवर किया है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी थरो नॉलेज हो चुकी होगी बल्बेरिस की। बाकी आपका भी ये ड्यूटी बनता है कि जब आप ये पढ़ो तो और भी साथ में बुक्स साथ में पढ़ लो, जिससे आपको ईजिली एक रेमेडी अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ पे आज हमने बर्बेरिस कंप्लीट कर लिया। कुछ चीज़ें अगर बच गई है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि बर्बेरिस जो प्लांट होता है उसका बाक ऑफ रूट, मतलब रूट का छिलका यूज किया जाता है इसके टिंचर्स बनाने के लिए, ठीक है, ये हमारे सर ने बताया था, तो मैंने यही बता दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने ये सारी ही कंप्लेंट्स कर लिए, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, तो यहाँ पे जो भी लिखा है। बाकी आपको कुछ भी कंप्लेन हो या कुछ भी कंप्लेन कुछ भी चीज बतानी हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो, कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कौन सी और वीडियो बनानी है या कुछ आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो बाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, बाय।